गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अजीत कुमार UHS व्यायाम लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने वर्ग 8 विषय विज्ञान का 9th चैप्टर प्रकाश का दो पार्ट मैंने बता चुका हूं, मैं अब आगे ये तीसरा पार्ट है जिसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, है ना, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यह जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बारे में हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे, आप लोग अच्छे से समझे भी थे। अब आगे उनकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। तो समतल बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और पार्श्विक होता है। पार्श्विक का मतलब यहाँ पे समझने का बात है बच्चों, पार्श्विक का मतलब होता क्या है? पार्श्विक का मतलब दाहिना बायां नजर आता है और बायां बायां दाहिना नजर आता है। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम आईने के सामने खड़ा होते हैं, दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो अपना दाहिना हाथ देखते हैं तो हमें बायना हाथ नजर आता है, हमें बायां हाथ नजर आता है। अगर हम बायां हाथ देखते हैं तो हमें दाहिना हाथ नजर आता है। जैसे कि जैसा यह एक दर्पण बना हुआ बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, समझाने का प्रयास किया है, एक दर्पण है। अगर पी अगर इस प्रकार से होता है तो हमें दर्पण पे पी ऐसा दिखाई देता है, आर अगर इस प्रकार से लिखा होता है तो आर हमें ऐसा नजर आता है। करने का मतलब बायां दाया नजर आता है और दाया बाया दर्पण पे, समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो। अब ये बच्चों की संपूर्ण लंबाई और इक्वल टू लंबाई बटा दो, इसका मतलब क्या होता है? जिसे कहने का मतलब बच्चों, अगर हमें अपना संपूर्ण लंबाई समतल दर्पण पे देखना होता है तो हम कैसे देख पाएंगे? अगर हमें संपूर्ण लंबाई दर्पण पे देखना है तो हमारा लंबाई जो जितना है उसका आधा दर्पण होना चाहिए। हमारे लंबाई जितना है उसका आधा क्या होना चाहिए? दर्पण। जैसे अगर हमारा लंबाई 6 फीट है तो दर्पण कितना होना चाहिए? 6/2। दर्पण कितना होना चाहिए? 6/2। कहने का मतलब 3 फीट। अगर दर्पण 3 फीट होगा तो 6 फीट की लंबाई को हम उस दर्पण पे देख सकते हैं। आगे बच्चों, की दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु का की प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? सब अगर दो समतल दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु के रखते हैं तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? तो उसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, 360 डिग्री बटा थीटा। प्रतिबिंब की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटा थीटा। जितना डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, उसको अगर 360 डिग्री से भाग दे देते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होना चाहिए। कहने का मतलब है, 360 डिग्री से अगर कोई भी कोण के माप को भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें विषम होना चाहिए। अगर सम हो गया तो क्या करें? अगर सम हो गया तो हम क्या करेंगे? उसमें एक घटा देंगे। क्या करेंगे? एक घटा देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, उत्तर सदैव विषम होना चाहिए। सम आने पर एक घटा देते हैं ताकि उत्तर विषम हो जाए। उत्तर क्या हो जाए? विषम हो जाए। जैसे सम माइनस एक, मतलब सम अगर हमें उत्तर सम मिल रहा है तो एक घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? विषम। कहने का मतलब है प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या होगा? विषम होगा। बच्चों, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या होगा? विषम। हमें ये याद रखना है, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होगा। अगर 360 डिग्री से थीटा को भाग देते हैं, अगर सम आ गया तो क्या करेंगे हम? उसमें से एक घटा देंगे, तब हमें इस प्रकार के जो भी प्रश्न मिलेंगे वो आसानी से हम हल कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप समझेंगे बच्चों, जैसे अगर एक समतल दर्पण ये दूसरा समतल दर्पण है, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो हम क्या बोले? 360 डिग्री से भाग दे देना है। किसको? जितना थीटा का मान दिया हुआ, यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो 90 से भाग दे दिए, 0 0 कट गया, 9 4 36, 4 में से घटा दिए, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे क्या आया? 4। तो ये 4 सम है कि विषम है? सम है। क्या है? सम। हमें रिजल्ट किस में लाना है? उत्तर किस में लाना है? विषम में। तो क्या करेंगे? एक घटा देंगे तो कितना हो गया? 3। तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। अब इसी प्रकार से अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, दो समतल दर्पण के बीच अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो क्या करेंगे? फिर 360 डिग्री से हम 60 को भाग दे देंगे,
जीरो जीरो कट गया, 6 6 36 कितना आया 6, तो 6 में से 6 सम संख्या आया, हमको विषम लाना है, तो क्या किए हम 1 घटा दिए, तो कितना आ गया 5, जो एक विषम है, तो हो गया प्रतिबिंब की संख्या 5, जब 60 डिग्री का कोण बने दो समतल दर्पणों के बीच। अब देखिए इस उदाहरण से भी हम समझते हैं, तीसरा उदाहरण से हम समझते हैं, है ना, ये हो गया चौथा, तीसरा उदाहरण से समझते हैं, 40 डिग्री का कोण बनता है, तो 40 डिग्री का कोण बनेगा तो 360 को 40 से भाग दे दिए, तो 0 0 कट गया, 4 9 36, ये 9 हो गया, तो 9 क्या है विषम, तो क्या हम इसमें घटाएंगे, नहीं, क्योंकि ये तो विषम हमको प्राप्त हो चुका है, हमको विषम ही लाना है, हर कंडीशन में उत्तर क्या आना चाहिए विषम, हमें विषम आ गया है, अब इसमें 1 घटाना नहीं है, जब सम आएगा तो ही हमको हमें 1 घटाना होता है, विषम आ गया तो 1 हमको घटाना नहीं है, जब 40 डिग्री का कोण बनेगा तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 9, प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा 9। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि अगर दो समतल दर्पण के बीच 0 डिग्री का कोण बने, तो 0 डिग्री का कोण कब बनता है, जब समांतर रहता है, जब प्रतिबिंब दोनों क्या रहता है समानांतर, जब समानांतर रहता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है, तो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा 360 को फिर 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अनंत है ना, प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे हम कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0 0 से काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 360 डिग्री को 0 से भागा देना है, जब कोई भी संख्या को 0 से भागा देते हैं तो वो क्या होता है अनंत होता है, क्या होता है बच्चों अनंत। और एक छोटा सा एग्जांपल से हम फिर समझते हैं, एक समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, इसके बीच अगर 20 डिग्री का कोण बने, कितना बने 20 डिग्री का कोण बने, तो समझेंगे कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा, इसके बीच अगर कोई वस्तु को रखी हो रखी होगी तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे 360 को 360 से इसको क्या करेंगे भाग देंगे 20 को, नहीं 0 0 कटा, यहाँ पे क्या हो गया 18 बराबर कितना गया 18, तो प्रतिबिंब क्या कितना बनेगा, क्या 18 प्रतिबिंब बनेगा, अब हम देखेंगे कि 18 सम है कि विषम, तो 18 क्या है बच्चों सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे 18 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो गया 17। हम हमेशा प्रतिबिंब संख्या निकालने के लिए इसको हम हमेशा ध्यान देंगे, हमें 360 डिग्री से भाग देना है, जितना दो समतल दर्पण के बीच जितना डिग्री का कोण बनेगा उसको 360 डिग्री से भाग देना है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा। बस एक बात ध्यान देना है कि अगर सम संख्या प्राप्त हो रहा है तो हम उसमें से हमको 1 घटा देना होता है विषम संख्या प्राप्त करने के लिए, वो हमारा प्रतिबिंब की संख्या होता है, अगर विषम संख्या प्राप्त हो रहा है तो हमें 1 घटाना नहीं होता है, इसमें अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।